ऑल राइट गाइस, तो दिशा शर्मा मतलब कि फिल्मी इंडियन ने फिर से व्यूज के चक्कर में इतना सारा झूठ बोल दिया है ना, जैसे अगर मैं आपको बताने बैठा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आप टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस दिशा शर्मा की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे ये बंदी व्यूज के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकती है। तो देखो यार, जैसे ही जवान मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ और इसने झूठ नहीं बोल सकती थंबनेल पर टैग से लिखकर वीडियो अपलोड कर दी, जिसके अंदर इन्होंने मूवी के ट्रेलर की बहुत ज्यादा तारीफ की, जिससे इसे व्यूज अच्छे खासे मिले। क्योंकि यार जवान की हाइप ज्यादा है और जिसकी हाइप ज्यादा होती है ये बंदी सिर्फ उस पर ही वीडियो बनाती है। क्योंकि अभी तुम देखो ना, स्कैम 2003 वेब सीरीज रिलीज हुई जिसकी हाइप बहुत कम थी, इसीलिए बंदी ने वीडियो ही नहीं बनाई। और इसका जो पहला सिक्वल स्कैम 1992 रिलीज हुआ था, तब इस बंदी ने वीडियो बनाई थी क्योंकि यार उसकी हाइप ज्यादा थी। वेल दोस्तों, इसके जवान के ट्रेलर रिव्यू पे आ गए 1.4 मिलियन व्यूज, जिससे इस बंदी के मन में और लालच छा गया और इस बंदी ने पब्लिक को पागल बनाने के लिए फिर से एक जबान पर वीडियो बना दी, जिसके थंबनेल में इनने अल्लू अर्जुन, थालापति विजय और रॉकी स्टार यश को जोड़ दिया जवान के कैमियो में। जहां पर भाई जवान के मेकर्स ने अभी ये तक कंफर्म नहीं किया है कि एसआरके के जवान में कितने रोल होने वाले हैं, वहां पर इस बंदी ने जवान मूवी के अंदर 3 सुपरस्टार एक्टर का कैमियो जोड़ दिया ताकि इस बंदी को व्यूज मिल सके। मतलब कि यार कुछ भी। अब देखो यार, मूवी रिव्यू देखने वाली ऑडियंस बहुत ज्यादा नादान है। कोई भी अगर बड़ा यूट्यूबर किसी भी मूवी में कितने भी एक्टर जोड़ दे तो जो लोग वीडियो देख रहे होते हैं उन्हें बहुत मजा आता है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारे लोग व्यूज लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो यार, अगर आप सोच रहे हो कि मैं नहीं चाहता कि इस मूवी में बड़े बड़े एक्टर आए, मैं खुद चाहता हूँ कि यार इस मूवी में अल्लू अर्जुन, विजय थालापति और अपने रॉकी भाई कैमियो करें। लेकिन भाई हर चीज की एक लिमिट होती है। मतलब कि अभी तक जवान के मेकर्स ने ये तक कंफर्म नहीं किया है कि एसआरके की जवान में 2 रोल होने वाले हैं या 3, और ये बंदी 3-3 बड़े बड़े एक्टरों को उसमें कैमियो दे रही है। और ये तो छोड़ो, रजनीकांत सर की अभी जेलर मूवी आई है, उन्हें भी इस बंदी ने इस मूवी के कैमियो में जोड़ दिया। अब देखो यार, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट देता हूँ। इसीलिए देखो यार, इस मूवी में विजय थालापति सर का कैमियो तो कंफर्म है और रॉकी सर की आवाज इस मूवी में कंफर्म है, लेकिन यार उनका कैमियो कंफर्म नहीं है और अपने पुष्पा भाऊ का इसमें कैमियो कंफर्म नहीं है और अपने रजनीकांत सर का भी कैमियो इसमें कंफर्म नहीं है। देखो यार, मैं खुद चाहता हूँ कि इन लोगों का कैमियो हो, लेकिन जब अभी जवान के मेकर्स की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है तो क्यों भाई साहब पब्लिक को पागल बनाऊं मैं। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बड़े बड़े यूट्यूबर व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग इनकी बातों पे तभी विश्वास करें जब कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आए। एट द एंड गाइस, आप जवान मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो और आप सच में किसे देखना चाहते हो जवान के अंदर, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।